125 सीसी सेगमेंट में इतने ज़्यादा शानदार लुक्स आपको किसी और बाइक में नहीं मिलते हैं। पल्सर का 3D में लोगो मिल जाता है। सो गाइस, दिस इज ऑल न्यू 2023 अपडेटेड बजाज पल्सर NS125 फेयरी ऑरेंज कलर, जो कि देखने में काफ़ी शानदार लगता है। और इस गाड़ी में भी अब आपको E20 और OBD2 का सपोर्ट मिल जाता है। तो 2023 में आने एक बात, क्या इसकी प्राइस होगी, क्या माइलेज है, और 2023 में साइड क्या इसके फीचर्स होने वाले, साइड डिटेल आपको वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो में बने रहें, और अभी तक आपने हमारे चैनल ऑटो टेक इन्फो को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके वॉक ऑन वीडियो के साथ। सबसे पहले अगर इसकी फ्रंट की लुक देखते हैं तो मिल जाता है आपको कुछ तरीके का हेड हैंडल का डिज़ाइन, जिसमें आप इसके मिरर को देखिए, और 2023 में जो इसमें OBD2 का सपोर्ट आया, यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। बाकी टैंक से भी आप इसके देख सकते हैं E20 को, बैजिंग को। तो इस कलर की बात करते हैं तो फेयरी ऑरेंज कलर है, और 4 कलर के साथ में ये बाइक आ जाती है। तो फ्रंट से अगर बात करते हैं तो मिल जाता है पूरा हेलोजन का सेटअप, और 125 सीसी सेगमेंट में इतने ज़्यादा शानदार लुक्स आपको किसी और बाइक में नहीं मिलते हैं। बाकी फ्रंट में आप देखते हैं तो मिल जाता है हेलोजन बेस्ड टर्न इंडिकेटर का सेटअप, जिसको आप यहाँ से देखेंगे, और ये फ्लेक्सिबल हल्के फुल्के से हैं, ज़्यादा नहीं है। बाकी मिल जाता है आपको टेलीस्कोपिक फोक का सस्पेंशन इसके फ्रंट में, और रिफ्लेक्टर दे रखा है। बाकी जो इसका मड गार्ड है, इसके ऊपर में कार्बन फाइबर की डिज़ाइन दे रखी है, और कुछ इस तरीके का फाइबर बॉडी का मड गार्ड है। बाकी अगर मैं फ्रंट से आता हूँ इस साइड से, और इसके ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में बात करूँ, तो 240mm की मिल जाती है फ्रंट में इसमें डिस्क। बाकी प्रोफाइल की बात करते हैं अगर, तो 80/117 यानी कि 80/117 का टायर है, और 17 इंचेस के काफ़ी ज़बरदस्त लुक के अलॉय व्हील मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पर स्टिकरिंग दे रखी है ऑरेंज कलर की, जिस कलर की आपको यहाँ पर पेंटिंग इसकी मिल जाती है। बाकी इस साइड पे अगर मैं आके आपको दिखाता हूँ, तो इसके टैंक के ऊपर में आप देखते हैं तो पल्सर का 3D में लोगो मिल जाता है, जो कि यहाँ पर सिल्वर की फिनिशिंग में है ब्लैक के साथ में। बाकी नेकेड पूरी डिज़ाइन है, और यहाँ पर भी देखते हैं तो 125 की भी स्टिकरिंग है वाइट कलर में। बाकी फ्यूल इंजेक्शन यानी कि FI मिल जाता है इस गाड़ी में, और इस साइड में वेंट टाइप में डिज़ाइन है। 5 गियर बॉक्सेस में आपको कांस्टेंट मेस का सिस्टम मिलता है। बाकी इंजन के ऊपर में आप समझ सकते हैं कि 1 डाउन एंड 4 अप का सिस्टम मिल जाता है। बाकी बजाज की बैजिंग है, स्पीड में क्रैश गार्ड है, और इंजन काउल आपको मिल जाता है यहाँ पर डुअल टोन में ऑरेंज के साथ में वाइट का। बाकी आप देखते हैं तो साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ का मिल जाता है सिस्टम इसमें, रबर कवरिंग है, वेंट टाइप में यहाँ पर डिज़ाइन है जाली जाली। और इस साइड पर आप देखते हैं तो मिल जाते हैं फुटरेस्ट एल्यूमिनियम के एडजस्टेबल, और इस साइड पर आप देखेंगे तो पूरा ओपन में चेनसेट कवर, इस गाड़ी को थोड़ा और स्पोर्टी सा लुक देने के लिए। बाकी मेटल में एक साड़ी गार्ड है यहाँ पर, और यहाँ पर आपको मिल जाता है फुटरेस्ट बिल्कुल मेटल बॉडी का। सीट कवर के ऊपर में NS125 की बैजिंग है, जो कि मैट ब्लैक कलर का है। बाकी टेल लाइट आप देखेंगे तो काफ़ी ज़बरदस्ती लुक की आपको मिल जाती है। बाकी इस साइड पर आपको मिल जाता है रिफ्लेक्टर, और बाकी इस साइड पर भी NS125 की बैजिंग आपको इसमें मिल जाती है। बाकी सीट की बात करते हैं तो पीजन वाली सीट जो है वो थोड़ी सी हार्ड मिलती है आपको, लेकिन ड्राइवर वाली काफ़ी कंफर्टेबल आपको मिल जाती है, तो काफ़ी एक अच्छी चीज़ इसके लिए बन जाती है। और 805mm की मिल जाती है इसकी सीट हाइट, जो कि अगर मैं इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करता हूँ तो 179mm की मिल जाती है इसमें, काफ़ी अच्छी सी ग्राउंड क्लियरेंस। बाकी इसमें आपको 5 गियर बॉक्स का कांस्टेंट में सिस्टम मिलता है, और 12 लीटर की मिल जाती है फ्यूल टैंक कैपेसिटी। बाकी टैंक पैड आपको यहाँ पर मिलने वाला है जैसा कि आप देखेंगे, और टैंक के ऊपर में काफ़ी ज़बरदस्ती लुक मिलती है। E20 को मेंशन कर रखा है यहाँ पर, और ऐसे कुछ खुल जाता है इसका जो फ्यूल गोज का ऑप्शन है। और इस साइड से अगर आपको दिखाऊं, बैक में आपको इसमें मिलता है मोनोशॉक सस्पेंशन रेड कलर का, और यहाँ पर मिल जाता है रियर ब्रेक का पैड, एक किक मिलती है इसमें, काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ पर मिल जाता है आपको कुछ इस तरीके का स्पीड में क्रैश गार्ड, रेडिएटर कूलिंग नहीं है, केवल ये दे रखा है डिज़ाइन के लिए। और इस साइड से आते हैं तो बैक का ऐसा कुछ आपको लुक मिलेगा, ये मेटल में दे रखा है इसका। और अगर इसकी बार हैंडल की बात करते हैं तो नॉर्मल स्पोर्टी वाली इसमें बार हैंडल मिल जाती है, क्लिप ऑन वाली बार हैंडल दे रखी है। वहीं अगर मैं आपको की दिखा दूँ तो नॉर्मल की है, वेव की का ऑप्शन नहीं आता है, तो लगाते हैं। और पहले स्विचेस की बात कर लूँ तो एक पासिंग का स्विच मिलता है, अपर डिपर है, टर्न इंडिकेटर मिल जाता है, हॉर्न मिल जाता है, बाकी साइड पर मिलता है बार एंड, और क्लच का लीवर सा काफ़ी लाइट आपको मिल जाता है, मतलब आपको हार्डनेस इसमें महसूस वगैरह नहीं होती है। बाकी इस साइड पर आपको मिल जाता है इंजन की का स्विच, शेल्फ है, एक्सेलेटर और फ्रंट ब्रेक का लीवर मिल जाता है। बाकी साइड मिरर का डिज़ाइन को आप यहाँ से देखिए, इस साइड पर आपको मिल जाती है रबर की कवरिंग, और काफ़ी एडजस्टेबल इसके जो है मिरर आपको मिल जाते हैं। चलिए इसका मीटर ओपन करते हैं,
जैसे आप की को घुमाएंगे तो ऐसे आपको कुछ इसका मीटर ऑन होता है। यहाँ पर आपको सेमी डिजिटल मीटर कंसोल मिलता है, आरपीएम मीटर है, फ्यूल गोज का ऑप्शन है, डिजिटल क्लॉक मिल जाती है, और इस साइड पर आप देखेंगे तो ओडोमीटर मिल जाता है आपको यहाँ पर, और एक डीटी वगैरह का ऑप्शन यहाँ पर आप इसको देखेंगे सेट कर सकते हैं। ओडोमीटर आपको मिल जाता है और ट्रिप मीटर यहाँ पर नीचे देखिए आ रहा है, तो काफ़ी सही फीचर। डिजिटल क्लॉक भी है, बाकी यहाँ पर आप देखते हैं तो पासिंग है और टर्न इंडिकेटर यहाँ पर आपको मिल जाएगा, आरपीएम लिमिट आपको यहाँ पर मिल जाती है, और इस साइड से भी आके कुछ ऐसी ओवरऑल आपको लुक इसकी ज़बरदस्त लुक आपको मिलती है 125 सी सेगमेंट में, क्योंकि ऐसी 125 सी सेगमेंट में ज़्यादा कोई ऐसी गाड़ी आपको नहीं मिलेगी फुल नेकेड वाली जो कि इस तरीके के लुक की आती हो, क्योंकि लुक इसके देखने में तो काफ़ी ज़बरदस्त आपको मिल जाते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसके इंजन के बारे में, जहाँ से इसकी परफॉर्मेंस निकल के आने वाली है। तो इसमें मिल जाता है 124.45 सीसी का एयर कूल फोर स्ट्रॉक फोल बेल BS6 कॉम्प्लीट DTSI SOSC इंजन, जो कि रिलीज करेगा 11.99 PS की मैक्सिमम पावर 8500 RPM पर, और 11 न्यूटन मीटर का टॉर्क रिलीज करता है 7000 RPM पर, जो कि इसको 0 to 100 जाने में 25.85 सेकंड का समय लगता है। बाकी FI भी अब इसमें मिल जाता है 2023 में अपडेशन के बाद। चलिए इसके एग्जॉस्ट के बारे में बात करते हैं, तो इसमें मिल जाता है एंडर वैली वाला एग्जॉस्ट। अगर मैं आपको इसकी वॉइस सुना दूं, और जो इसका कैटलिटिक कन्वर्टर आपको यहाँ पर मिल जाता है फ्रंट की, इसके आपको ऐसा कुछ इसका हेलोजन का सेटअप मिल जाता है। तो ये आपको पड़ जाती है ऑन रोड कानपुर उत्तर प्रदेश में 1,29,807 रुपीज़ की, यानी कि 1,29,807 रुपये की ये गाड़ी आपको ऑन रोड कानपुर उत्तर प्रदेश में पड़ जाती है। वहीं आपको शोरूम का एड्रेस दे दूँ तो ये अपना है सोसाइटी बाजार, जो कि मैक्रोबर्टगंज कानपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। यहाँ से आप आके कोई बजाज की बाइक वगैरह परचेज कर सकते हैं। तो कुछ ये थी इसकी ओवरऑल वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम लोग ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो चैनल पर लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।